हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने किड्जी में फ्री डेंटल चेकअप का कैंप लगाया है। और किड्जी की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे स्कूल में आइए और डेंटल चेकअप दीजिए। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैंने डॉक्टर्स रेड्डी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जिन्हें मैंने बोला था कि कैंप हम लगा रहे हैं, तो उन्होंने हमें चीरियो और वेंटेज टूथपेस्ट प्रोवाइड किए कि और हमारा कैंप अब थोड़ी देर में ही स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग रेडी हैं, ऑल इज़ सेट कि बच्चे आए और हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करें। और क्लिनिक में बात थोड़ी अलग होती है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ पे एक एक करके बच्चे आएंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। वेट एंड वॉच, फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब बच्चे आ गए हैं और ये तो मुझे अपना नाम ही नहीं बता रहा है और मैं बार बार नाम पूछ रही हूँ। और जो इनके पास आया है वो बड़े आराम से करवा रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और बहुत ही मुश्किल से इसने चेकअप करवाया और नाम भी मुझे किड्जी की टीचर ने दिया और वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सारी टीचर्स बहुत ही हेल्प करी उन्होंने हमारी। और एक एक करके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बच्चे आते जा रहे हैं। और हमें दूध के दांत का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली लोग बोलते हैं ये तो दूध के दांत हैं, ये तो गिर जाएंगे, इसमें क्या फिलिंग करवानी है, क्या ट्रीटमेंट करवाना है, इसे तो आप निकाल दीजिए। पर नहीं, मिल्क टीथ का भी टाइम होता है कि वो कब शेड ऑफ होते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं उसके बाद। अगर हम उसे टाइम से पहले निकाल देंगे तो जो दांत हैं परमानेंट वो टेढ़े मेढ़े आएंगे और ऑक्लूजल सही नहीं रहेगा। और एक एक बच्चों को मैंने चीरियो दिया जिनके दांतों में कैविटीज़ थी और बच्चे खुश हो गए टूथपेस्ट लेके और बहुत अच्छे से दिखा रहे थे, डायग्नोस करवा रहे थे। और बहुत ही प्यारे बच्चे थे और बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया हमें भी और बहुत आराम से करवाया बच्चों ने। और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें, हेल्प करी। बच्चों का नाम हमें नहीं समझ आ रहा था तो वो हमें बताती रहीं कि ये नाम है, इसकी ये एज है। और बहुत सक्सेसफुली जा रहा है हमारा डेंटल कैंप और बहुत मज़ा भी आ रहा है। और इस स्कूल में मेरा बेटा भी पढ़ता है और वो थोड़ी सी देर में आएगा, मैं वेट कर रही हूँ कब उसका नंबर आएगा और वो उसका रिएक्शन क्या होगा हमें देखकर दोनों को कि मम्मा पापा आज यहाँ कैसे, क्योंकि उसे नहीं पता है कि हम उसके स्कूल में आए हैं और उसके फ्रेंड्स का चेकअप कर रहे हैं। और बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया और अपना चेकअप करवाया अच्छे से और बताया जो जो क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे। और आजकल बच्चे वैसे भी बहुत स्मार्ट हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं किड्जी के। और एक एक करके आते जा रहे हैं और हम उनका चेकअप करते जा रहे हैं। और इस टाइम पे हमने 100 बच्चों को देख लिया है और टीचर्स बोल रही हैं कि मैम थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पर हमने बोला कि नहीं, आप लोग कंटिन्यू रखो और बच्चों को लाते रहो एक एक करके कि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। और ये बहुत क्यूट सा बच्चा आया मेरे पास, और ये एक और बच्ची आई मेरे पास और उसने अपना दांत दिखाया और बहुत क्वेश्चंस पूछ रही थी कि ये क्या है, इससे क्या होगा, मेरे दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उसने मुझसे। ये देखो जी क्या कर रहे हो, ओह माय गॉड, जो ब्रश ही करेगा ये इसको कट कर लेगा। आ करो नो नो ध्यान कट कर लेता हूं, जंग्स लगे शाम को करते हो क्या? नहीं करना है, ठीक है? Three years.
आप कैसे आ गए? क्यों क्लास में नहीं जाना? ओ कहाँ गया? ये दिया था आपको? नहीं दिया था। आपको दिया था? नहीं दिया था। और दर्श बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था मुझे देखकर कि मामा आई हैं चेकअप के लिए। और हमने तकरीबन 200 प्लस बच्चों का डेंटल चेकअप किया था आज, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और हमारा डेंटल कैंप बहुत ही सक्सेसफुल गया और हमें टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू, उनकी वजह से ये कैंप सक्सेसफुल गया और उन्होंने हमें बहुत सुंदर सा प्लांट गिफ्ट में दिया। और स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।